हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक तनवीर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और एक एक पार्ट को मैं आपसे परिचय कराऊंगा कि इसका क्या काम है और यह हार्डवेयर कैसे काम करता है। आने वाली वीडियो में हम पूरा हार्डवेयर को असेंबल करके एक एक पार्ट को असेंबल करके और एक सीपीयू को तैयार करेंगे। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर को अगर हम डिफाइन करें, हार्डवेयर की डिफिनीशन दें कि हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के वह सभी पार्ट हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या जरूरत पड़ने पर रिपेयर कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। चाहे मॉनिटर ले लो, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, रैम, जो कुछ भी आप पार्ट ले लो उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिवाइस को आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा पावर सप्लाई कहलाता है और SMPS भी हम इसको बोलते हैं। तो SMPS का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। अब इसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यह AC 230 वोल्ट लेता है। लेकिन इसका मेन काम यह है कि यह कंप्यूटर सिस्टम को, कि हम सभी जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वह AC लेता है और DC में चलता है। SMPS का मेन काम यही है कि वह AC करंट को लेता है और उसको DC में करंट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ पोर्ट निकले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो भी पोर्ट निकले हुए हैं, तो कोई सबसे पहला पोर्ट ये जो हमारा पोर्ट है यहाँ पे इसमें जो दिख रहा है, ये हमारे मदरबोर्ड में जाकर के लगेगा। इसके बाद यहाँ पर ये दिखा हुआ हार्ड डिस्क में जाकर लगेगा एक पोर्ट, एक राइटर में लगेगा। बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा मदरबोर्ड है। दोस्तों, मदरबोर्ड में सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को पोर्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ये दो पोर्ट दिख रहा है, ग्रीन पोर्ट है और ग्रीन है और एक बैंगनी कलर में है। और इन दोनों पोर्ट की मैं खासियत बता दूं, इस पोर्ट को PS2 पोर्ट कहते हैं। इसके अलावा इस समय वर्तमान में USB पोर्ट का मैक्सिमम यूज किया जा रहा है, लेकिन PS2 पोर्ट यहाँ पर ये दो दिख रहा है। तो ये हमारा जो होता है वह माउस के लिए यूज किया जाता है, और ये हमारा पोर्ट जो होता है या कीबोर्ड के लिए यूज किया था। इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको जो पोर्ट दिख रहा है, इस पोर्ट का प्रयोग प्रोजेक्टर वगैरह के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे ये पोर्ट दिख रहा है, ये ब्लू कलर में, यहाँ इसको VGA पोर्ट बोलते हैं, वर्चुअल ग्राफिक्स एरे। मैं एक VGA ऐड करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये आप लोग को पहचानना होगा, ये हमारा VGA पोर्ट होता है। अब इसको हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर पे लगाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा VGA पोर्ट यहाँ पर लग गया। अब इस पोर्ट का क्या काम होता है, यह मॉनिटर के लिए यूज किया जाता है या प्रोजेक्टर के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये पोर्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक, प्रिंटर वगैरह के लिए किया जाता है, स्पेशली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला पोर्ट आता है, यहाँ पर हमें दो पोर्ट ये मिल जाएगा आपको, USB पोर्ट, यहाँ पर दो USB पोर्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। USB पोर्ट मैं कोई USB लगा ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास एक फ्लैश ड्राइव कर सकते हैं, पेन ड्राइव कर सकते हैं, USB कर सकते हैं, तो मैं USB लगा करके ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे कीबोर्ड, माउस कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ और पॉइंट को ऐड करके दिखा देता हूँ। ये आप लोग को दिख रहा होगा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इसके अलावा आप इसको भी मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए हमारा ऐड हो गया है। दोस्तों, ये मदरबोर्ड में अगला पोर्ट आता है लैन पोर्ट। अब लैन पोर्ट के लिए हम लैन केबल यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑफिस में लैन सेटअप लगाना है, कि पूरे PC में आप चाहते हैं कि लैन सेटअप लग जाए, तो आप लैन पोर्ट का यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी लगा करके एक बार देखिए, हमारा लैन केबल है और इसको हम यूज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, और इसको हम उल्टा करके और ऐसे लगा देंगे, और हमारा ये लैन पोर्ट भी तैयार हो गया लगकर। दोस्तों, अगला पोर्ट आता है, यहाँ पर ये आपको तीनों पॉइंट दिख रहा होगा, ये हमारा आइडियो पोर्ट होता है। आइडियो पोर्ट के लिए जो लोग साउंड वगैरह का यूज करते हैं, आप यहाँ पर आइडियो पोर्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा जो होता है वह PCI स्लॉट होता है, व्हाइट कलर में होता है। PCI स्लॉट का पूरा नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। दोस्तों, इसका प्रयोग किस लिए होता है, क्योंकि जैसे मदरबोर्ड की जितने भी पार्ट दिए हुए हैं सारे डिवाइस जुड़ जाते हैं, अगर हमको कुछ नए कंपोनेंट जोड़ने हैं, जैसे DVD राइटर हो या हार्ड डिस्क या कुछ और चीज जोड़ना हो जो कि यहाँ पे जगह ना हो किसी भी पोर्ट के लिए, तो हम इस पर अलग लगा करके डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा जो है ये रैम स्लॉट होता है, यहाँ पर हम रैम लगा देते हैं। ये हमारा रैम है,
रैम का पुराना रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आप रैम को यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा रैम लग के तैयार है, अब मैं इस रैम को थोड़ा रैम के बारे में आगे बता दूंगा कि रैम क्या होता है, कैसे काम करता है। यहाँ पे ये जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा ये कटा हुआ, इसको नोजल बोलते हैं। और रैम में सिंगल नोजल डबल नोजल होता है, रैम की कई क्वालिटी होती है, रैम पर हम आगे भी वीडियो बना देंगे बनाते रहेंगे। हमारा ये मदरबोर्ड होता है, ये मेन सर्किट बोर्ड होता है, इसमें छोटे छोटे कई पार्ट लगे होते हैं, लेकिन हमारे महत्वपूर्ण जितने भी पोर्ट वगैरह हैं इन सब के बारे में विशेष कर बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट भी लगे होते हैं। दोस्तों अगला ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको तो अभी मैंने रिमूव उखाड़ लिया हुआ है, रिमूव किया हुआ है, यही हमारा जो होता है असल में सीपीयू होता है, प्रोसेसर कह सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ये हमारा प्रोसेसर होता है और यही यहाँ पर आकर के फिट होता है, बड़ा और छोटा किस भी पॉइंट में होता है ये आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि प्रोसेसर क्या कैसे होता है, कितने प्रकार के प्रोसेसर होते हैं। इसके ऊपर एक फैन होता है जो कि इसको हमेशा ठंडा करता रहता है। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये दो प्रकार के आपको यहाँ पे केबल दिख रहे होंगे, साटा और पाटा दो प्रकार के केबल दिख रहे होंगे। इन दोनों का प्रयोग पहले इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है, अब स्पेशली इन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है। मैं बोर्ड में एक और चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक बैटरी है दोस्तों, यही है सीमोस बैटरी जो कि आपको यहाँ पे लगा होता है, आपको अपडेट सीमोस बैटरी ही करती है। अगर हमारा सीमोस बैटरी खराब हो जाता है तो हमारा सिस्टम का डेट और टाइम गड़बड़ हो जाता है। दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।